क्या होगा, आपको बैच चला गया? चल मेरा पुत्र, चल कुछ, चल कुछ नहीं। आप सबको मेरी तरफ से पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे यहाँ पे बिरयानी आ गई है, दूसरी बिरयानी आ गई है, साथ में प्लेटर शॉर्मा आ गया, बाकी चीज़ें यहाँ पे आके बैठे हैं। यहाँ पे जो है ना, मैं आपको अनाया की मेहंदी दिखाती हूँ। अनाया की खाला भी जो है ना, अनाया नहा के आई हो, है चिपके चिपके बाल लग रहे हैं। और यहाँ पे जो अनाया की मेहंदी है ना, सेम मेरी तरह लगा रही है, बेल बना रही है, मतलब जो है अम्मी नमाज पढ़ रही है। हर वक्त आपको मेरे ब्लॉग में ना मेरी अम्मी नमाज पढ़ती नज़र आएंगी, और मेरा बेटा जो है ना इस तरह से घूमता हुआ नज़र आएगा, जो कि इसने दीवारें सारी ख़राब कर दी हैं, इसको पेंसिल चलाना आ गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी मैं ऊपर आई हूँ, मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को ईद मुबारक कहती हूँ। हल्का फुल्का रेडी हुए थे, ऊपर बहुत गर्मी है, और इस वजह से मैंने सोचा हल्की सी वीडियो शूट करती हूँ, दो तीन फोटोज लेती हूँ और उसके बाद नीचे जाती हूँ। और अभी भी जो तैयारी है ना वो थोड़ी सी रहती है, क्योंकि अभी नेल पेंट नहीं लगा है, उसके अलावा कोई ब्रेसलेट नहीं पहना दूसरे वाले हाथ में, तो इस तरह की भी कुछ तैयारियां रहती हैं। तो अभी मैं आप लोगों को गुल की भी शायद लुक दिखा दी है, दिखाऊंगी। और बस ये थी मेरी लुक जो मैंने इस बार जो है रेडी की है। मुझे ये वाला ड्रेस पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी दूसरा जो ड्रेस है वो इंशाल्लाह फिर कल पहनेंगे। फिलहाल हम लोग का प्लान है कि हम लोग जाएं जो आसपास के हमारे मतलब रहते हैं फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, उनसे मिलें, और उसके बाद जो है ना हम लोग ने जाना है कहीं बाहर, बच्चों को लेके घुमाएंगे। और बस फिलहाल बहुत गर्मी है, चलते हैं। अच्छा जी, आज मैंने रैंडम व्लॉग स्टार्ट कर दिए, कहीं से मुझे था नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करना है या यहाँ से स्टार्ट करना है, बस रैंडम व्लॉग स्टार्ट किया है। और यहाँ पर जो है ना, अभी हम लोग जो हम लोगों का ईद का गोश्त था वो सारा आ चुका था। हम लोगों के तीन हिस्से थे, गाय में हम लोगों ने तीन हिस्से डाले थे, और साथ में जो एक हिस्सा था यानी कि वो जो बहनोई का था वो अलग था, वो भी इधर ही करते हैं, मतलब उनकी कटिंग शटिंग ईच एंड एवरीथिंग वो काम भी यहीं पर होता है। तो बस अम्मी ने नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा ली थी, उसके ऊपर चादर बिछा ली थी, और फिर मैं और मेरी सिस्टर और मेरी अम्मी जो मिलकर ना ये तीन हिस्से बांटने लग गए, और सबको हमने सोचा था कि बांट देंगे। और साथ में फिर भाई का भी हो रहा था बकरा ज़िबा, हमारा प्लान था कि जब तक वो लोग ज़िबा करेंगे तब तक हम लोग ये वाला बांट देंगे, क्योंकि फिर मिक्स हो जाता है। तो पहले हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग इसको निकाल दें और उसके बाद जो है ना उसको निकाल दें। तो बस ये था। और साथ में अनाया का रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि उसका जो बैल था वो बकरा था वो उससे इतना प्यार करती थी, और अचानक से जब उसको पता चला ना, जब वो सो के उठी कि वो ज़िबा हो गया है, तो यकीन मानिए लड़की ने रो रो के बुरा हाल कर दिया था। नो 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 नो, गोल क्या हुआ है? नो, इसको हाथ नहीं लगाते होते। और यहाँ पर जो है ना सारा गोश्त आ गया है, सारा अम्मी बैठ के ना बांट रही हैं, जितना भी है सारे इसके हिस्से बना रही हैं। बेसिकली ये तीन हिस्से थे, और ये है हम लोगों का, और मेरे भाई जो है ना जो बहनोई है उनका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वहाँ पर जो है ना उनका, वहाँ पे बकरा अभी ज़िबा हो रहा है, यहाँ पे अम्मी गोश्त बांट रही है, और वहाँ पे उनका हो रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने जिस बकरे की वीडियो बनाई थी ना, हाथ चले ये इसका बहन जो है ना, वो चल कुछ नहीं होता बेटा, क्या होगा, आपका बैच चला गया? चल मेरा पुत्र, चल कुछ, चल कुछ नहीं होता, चल वो देखो अपने बहन को देख खोल। चलो बाच 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 कुछ नहीं तो नया ले आएंगे, नया कोल ले ले, नया का बैच अलग है। इसने आपको सीन भी तो मारा था ना रात को, इसने कितनी जोर से आपको सीन मारा था। चलो चल आगे, चला इसकी वो सारे आज वो खा, आज वो आप साथ आ जाओ, आज वो साथ आ जाओ।
नैना को चुप करो जाओ। आज कुछ नहीं होता, अब नया ले आएंगे वो, इनका भी हो गया है, उनका क्या कहते हैं यार, रमजान भाई आपका बहना भी जुड़वा देते हैं, ठीक है, अस्कर अस्कर का भी हो गया, अब्दुल्ला वाला भी हो गया, आपका भी कर दे, आपका बह भी लेके जाते हैं, उसको एलपी वगैरह रूल वगैरह जुड़वा देंगे, ठीक है। फिलहाल वो ना जन्नत में दांसी दूसरी कर रहा है, बस ये नाया का जो हाल था ना, रो रो के, वो बहुत ही बुरा हो गया था, वो खड़ी होकर स्टिल अपने बकरे की पीस को देख रही थी बार बार कि ये मेरा बकरा था, ये उसकी चीज़ें थी, तो इस तरह से। और यहाँ पर जो है ना, भाई के जो कसाई थे वो फिर आके बैठ गए थे, क्योंकि अम्मी ने अपना गोश्त बांट लिया था और उनका अब टाइम था, वो लोग यहाँ पर सारी उसकी कटिंग वगैरह कर रहे थे। और सामने आपको बाउल नज़र आ रहा होगा जिसमें वो छोटे छोटे पीस करके डाल रहे हैं, क्योंकि वो पर केजी के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो बस वो लोग जो है ना इनका कर रहे थे, और साथ में जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है उसने बना ली थी एक बीफ कढ़ाई, और साथ में एक बना ली थी उसने मटन की कलेजी, ये दो चीज़ें उसने बनाई थी, ज़्यादा हम लोगों ने नहीं बनाया था। वैसे हमारा प्लान था कि हम लोग पुलाव बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पता क्या होता है, जब आप बकरा ईद होती है और उस पर जब आप इस तरह से गोश्त बांटना होता है या फिर लोगों को बांटना होता है या फिर खुद पकाना होता है, सब कुछ करना, बंदा थक जाता है। तो बस इस वजह से जो है ना, हम लोगों ने सुबह मैंने जर्दा चावल बनाए थे, उसकी तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई, और उसके बाद दोबारा से फिर ये दो डिशेस बनाई हैं, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं बनाया, हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हम लोग पूरी रात के जागे हुए थे, सुबह जर्दा खाया, उसके बाद ये वाली डिशेस खाई, इन डिशेस खाने के बाद हम लोग सो गए थे, और फिर रात को उठ के दोबारा तैयार होंगे। तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हर किसी की जो ईद है ना, वो इसी तरह से ही गुजरती है कि बस बकरा शकरा खा लिया और बकरा शकरा बांट दिया और बास जी, और कलेजी तो हर घर में मस्ट पकती होगी आज के दिन में। ये हमने बनाई है जी कोई जी, कलेजी कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, यही कहते हैं। तुम बोलती नहीं हो, बोलना नहीं आता, गूंगी अच्छा। हो हाँ जी, चले जी, ये भी हम लोग लेके जाते हैं कमरे में, इसके ऊपर तो धनिया पुदीना डाल लेती, वो कहाँ गई जिसने ये बनाई है, ये सिस्टर ने बनाई है बड़ी वाली ने, और मैंने जो है ना, अच्छा ये बकरे की है और वो जो है वो बीफ का है। चलो हमारी है अलीशो बाबा, अलीशो बाबा इधर देखो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और बस जी यहाँ पे फिर हम लोगों ने मिल बैठ के जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाना बनाया था, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस वही अभी हम लोग मिल बैठ के सब लोग, बहन भाई बहनोई जितने भी हैं, सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पे खा रहे थे। और उसके बाद जो है ना, हमारा प्लान था कि हम लोग सो जाएंगे, गुल हमीद को भी रेडी करना था, उसको भी मैंने रेडी नहीं किया था जी। गुल का जो ड्रेस है ना, वो ये वाला है, ब्लैक वाला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया हुआ है, वो ड्रेस था, और ऊपर ये वेस्ट कोट, क्योंकि इसकी माँ का जो ड्रेस है ना वो भी सेम इस कलर में है, तो ये वेस्ट कोट लेकर आई थी कल फोटो स्टेडियम से, और माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और साथ में ये भी फोटो स्टेडियम का ड्रेस है, ये 2500 का मिला है, और ये 2000 की ये जैकेट मिली है। तो ये माशाल्लाह से आजकल बच्चों का ड्रेस भी माशाल्लाह से ना बहुत बहुत महंगे हो गए यहाँ पे ना, इस कदरा उतार के इसको जल्दी से पहनाते हैं, और फिर हम इसके बाबा से लेते हैं, ईदी बाबा से मुराद है इसके नाना से। गुल बाबा आप ड्रेस पहन रहे हो आज, आपके बाबा जो है ना, बाबा हमीद तो नहीं है लेकिन इस टाइम बाबा आलम खान है, यानी कि आपके नाना अबू हैं, तो नाना अबू से ना लेते हैं, वैसे अबू को अबू बोलना चाहिए और बाबा को बाबा, कोई बात नहीं बेटा, होता है होता है, ईद है होता है। उसकी फिंगर पे ना कट लगा हुआ है, अच्छा ना, अच्छा अच्छा, सॉरी, बहुत शरारती है इतना कि कोई भी काम करना हो ना। अच्छा मैं ये रात को चूड़ियाँ लेकर आई थी, अभी ये भी दिखाती हूँ थोड़ी देर तक पहन के, अभी मैंने पहनी नहीं है, और मेहंदी भी अपनी सिस्टर से लगवाऊंगी, पहले ये जरा ईदी दी, ईदी बाबा बोलो, ईदी दे दो, ईदी बाबा कितनी ईदी देंगे, चलो उधर बाबा भी 10 रियाल देते, यहाँ बाबा अबू 10 रुपए देते हैं। कितने हैं दिखाओ, वाओ 500 गुल, क्या आपकी है, आप कौन से लोगे, एक मुझे दे दो एक आप रख लो,
नहीं अबू को नहीं, नहीं अबू को नहीं देने, उठो खोलो ना, बोलू उठी खोलो ना। मैं अभी गुल की भी आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ, और दो भाई और स्टैंड अप। चलो और बस फिर हम लोग सो गए थे, सो के दोबारा उठे हैं तो फिर मैंने कहा दोबारा से रेडी हो जाते हैं। थोड़ी सी चूड़ियाँ मैंने पहले पहनी हुई थी, थोड़ी सी चूड़ियाँ बाद में पहनी। अच्छा मैंने ये ड्रेस पहन के चेंज कर दिया क्योंकि हम मुझे था कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, ये वाइट ड्रेस है और इस वजह से ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा यार नॉर्मल पहन के जाते हैं, बाहर इतना रश होना है। तो फिर मैंने अपना ड्रेस जो है ना फ़ौरन चेंज कर लिया था। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अनाया आप क्या खाओगी फिर से आज बताओ यार, स्टॉप होके बताओ ना, ये क्या कर रही हो आप, इधर आओ। मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। हाँ और नरगिस अपना ड्रेस दिखाओ, मेरी छोटी सिस्टर का, मैंने कहा आप लोगों को ड्रेस दिखा दूँ, अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हो? चलो बस चलते हैं जाके खाना शाना खाते हैं। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे खान बर्गर। चलो गुल आगे आगे चलो आप। अनाया अपना ड्रेस दिखाओ, तो पहले पानी पी ले लड़की, इधर आओ अपना ड्रेस को, पीछे पीछे जाओ पीछे। ये किसने बनाया है? चलो आप जाओ। अलीशा का भी सेम ड्रेस है, वाओ। खान बर्गर का ये वाला एरिया दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है ना भाई, इन्होंने ओपन एरिया भी रख दिया है। वाह ओपन एरिया भी रख दिया ना यार। नहीं यहाँ पे आपको लगता है एसी लगना चाहिए? हाँ फैन होने चाहिए यहाँ ऊपर ना, वो जैसे भाई वो लगाते हैं ना बॉर्डर करके, कवर करता है बिल्कुल। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना, हाय शहजादे कैसे हो, बस इनको हिला हिला के एंजॉय कर रहे हो। अनाया माशाल्लाह से सही एंजॉय कर रही है। बैठते बैठते भाई, चलो गुल हमने कभी बिठाया नहीं ना इसको, मतलब झूलो वगैरह पे। ये लो बैठो, पकड़ो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इल्लल्ला इल्लल्ला कैसे गया तेरी खैरा। उसको उसको ना वो स्लाइड सिर्फ पसंद रहती है ना। और ये एरिया मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, लेकिन यहाँ पे फैन वगैरह होता ना बहुत मजा आता। और यहाँ पे बहुत सारी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर थोड़ा सा भी फ़ैन होता ना, यकीन माने माहौल बहुत अच्छा होना था। बहरहाल हम लोग सिंपल ड्रेस में आए हैं, मैंने ये लॉन का ड्रेस पहना है जो अपना था, मतलब घर का था वो वाला पहना है, साथ में मेहंदी लगाई है, साथ में चूड़ियाँ पहनी है। जी खाना आ गया, और खाना आ गया, बच्चों को लेके हम लोग अंदर जाते हैं ताकि उनको भी कुछ खिलाएं। उनके लिए मैंने नगेट्स मंगवाए थे, ठीक है ना। चलो आ जाओ ना, खाना आ गया है, चले खाना खाते हैं। गुल कम विद मी, गुल गुल हमीद अनाया आफ्टर, अनाया आफ्टर डिनर हम लोग यहाँ पे आएंगे, आ जाओ। चलो खाना जो है ना बिल्कुल वहाँ पे उस एरिया में है, तो हम लोग चलते हैं। माशाल्लाह से सेटअप बहुत अच्छा लगा है मुझे, बस पंखा होता ना तो यहाँ बैठ जाते हम लोग। हमारी यहाँ पे बिरयानी आ गई है, दूसरी बिरयानी आ गई है, साथ में फ्लेटर शवारमा आ गया। बाकी चीज़ें नहीं आई ना अभी तक, हमने कहा है कि हमें थोड़ा सा दे दो ताकि हमें जो थोड़ी बहुत भूख लगी हुई है ना, पहले हम लोग स्टार्टर जो है ना वो हम लोगों ने मंगवा लिया, उसके बाद जो है देखते हैं हम लोग क्या खाते हैं।
और बस यहाँ पे गुल हमीद का भी यही था कि वो खाना जो है ना हमारे साथ माशाल्लाह से बैठ के खाना स्टार्ट हो गया। उसको जो भी चीज़ पीस में करके दे दो तो वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह से खाना स्टार्ट हो गया। और बस इसी वजह से आजकल हम लोग होटल में बैठ के खा लेते हैं, अदरवाइज़ ये था कि हम लोग होटल में बैठ के खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकते थे। और अनाया अलीशा सब जो है ना आराम से बच्चों ने हमारे साथ खाना खाया और उसके बाद जो है ना हम लोग घर गए थे। और अब जो है ना कढ़ाई भी आ गई है, जो हम लोगों ने कढ़ाई मंगाई थी और साथ में हम लोगों ने मंगाए थे कबाब और खमीरी रोटियां, दैट्स इट। और गुल माशाल्लाह से ना खा रहे हैं, इसमें रोटी से ना पुलाव वाली मंगवा के दिए और वो ये खा रहा है। और बस ये उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से कुल्फा लिया और इतना सा ही मेरा व्लॉग था, व्लॉग बहुत लंबा हो जाना था तो बस रात के तकरीबन 3 बज गए थे और हम लोग फिर तब घर गए। तो इसी व्लॉग के साथ इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अपनी दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।